व्हाट्सअप गाइज, अगर आपको भी कुछ इसी टाइप की कमाल की फोटो को एडिट करना है लाइटरूम ऐप का यूज करके, तो बस आप लोग इस वाले वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। मैं 100% आप लोग को ऐसा फोटो एडिटिंग सिखा दूंगा और वीडियो के एंड में ना आपका भाई एक ऐसा तरीका बताएगा जिससे आप जस्ट वन क्लिक में कुछ इस टाइप की फोटो को एडिट कर लेंगे। तो इस वाले वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, 100% मैं आप लोग को एडिटिंग ऐसा सिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेके और इसकी शेयर के आइकन पे टैप करके इस वाली फोटो को सिंपल से आप लोग को लाइटरूम में शेयर कर देना होगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही आप लोग लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे टैप करके यहाँ से अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। और ओपन कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी और एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो वीडियो को कम्प्लीट आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर साइड में हम लोग एडिट वाले ऑप्शन पे ऐसे टैप करेंगे और इसके अंदर आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और इन्हीं ऑप्शन का यूज करके आपका भाई फोटो एडिटिंग सिखाएगा। तो सबसे पहले इसकी लाइट वाले आइकन पे टैप कर देंगे। टैप कर लेने के बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू प्लस साइड में इंक्रीज करके आप लोग 24% कर लीजिएगा। हाईलाइट की वैल्यू डिक्रीज करके माइनस साइड में 23% कर लीजिएगा। देन इसकी शेडो की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में यहाँ पे 20% कर लीजिएगा। देन इसकी वाइट्स की वैल्यू क्या कीजिएगा, इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -31 कर लीजिएगा। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा हम लोग का पहला वाला स्टेप। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेप को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो कभी आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल से दूसरे वाले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कलर्स के आइकन पे ऐसे जाएंगे और जाने के बाद सबसे पहले इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 29% कर लेंगे। टिंट की वैल्यू प्लस साइड में 4% कर लेंगे और इसकी टेम्प की वैल्यू प्लस साइड में 10% कर लेंगे। और इतना सारा काम कर लेने के बाद सिंपल से ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे आप लोग को टैप करना होगा। टैप कर लेने के बाद कुछ इस टाइप के इंटरफेस आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, देन उसके बाद आप 100% एडिटिंग सीख जाएंगे। आपको सिंपल से ग्रीन कलर को लेके इसकी सेचुएशन की वैल्यू प्लस साइड में 100% करना होगा। लुमिनस की वैल्यू भी प्लस साइड में 78% कर लीजिएगा। ह्यू की वैल्यू भी प्लस साइड में आप लोग 62% कर लीजिएगा। और इतना सारा काम कर लेने के बाद सिंपल से आपको येलो कलर को लेके इसकी ह्यू की वैल्यू पूरा प्लस साइड में 100% कर दीजिएगा। सिचुएशन को माइनस साइड में 100% और लुमिनस की वैल्यू प्लस साइड में आप इसे 49% कर लीजिएगा। देन इतना सारा काम कर लेने के बाद ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कीजिएगा, जो कि हम लोग का फेस वाला कलर होता है। और इसको लेने के बाद इसकी सिचुएशन की वैल्यू माइनस साइड में 28% कर दीजिएगा। लुमिनस की वैल्यू प्लस साइड में 14%। देन इसके बाद आपको यहाँ से पर्पल कलर को लेके इसकी ह्यू की वैल्यू ना प्लस साइड में इंक्रीज करके 100% कर देना होगा। सिचुएशन की वैल्यू भी 100% कर दीजिएगा और सिंपली आप लोग यहां से डन क्लिक कर दीजिएगा। डन क्लिक कर लेने के बाद आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छी सी आ चुकी है। लेकिन आप अपनी फोटो को फुल HD में कैसे एडिट करेंगे, तो उसके लिए ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आके इफेक्ट के आइकन पे आप लोग को ऐसे टैप करना होगा। इफेक्ट वाले में आने के बाद इसकी टेक्सचर की वैल्यू प्लस साइड में 10% कर लीजिएगा। क्लियरिटी की वैल्यू भी 10% और डिहाइस की वैल्यू भी 10% कर लीजिएगा। देन इसके बगल में विग्नेट वाले में आइएगा और इसकी अमाउंट को यहाँ से कम करके माइनस साइड में 30% कर लीजिएगा। मिड पॉइंट की वैल्यू भी इसे भी आप लोग प्लस साइड में 38% कर लीजिएगा। और इतना सारा काम कर लेने के बाद आप लोग का तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज, अगर आपको वन क्लिक में भी फोटो को एडिट करना है तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको भाई ये बता दें कि आप अपनी फोटो में अपनी फेस को कैसे स्मूथ करेंगे, फोटो को HD में कैसे एडिट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या
करना होगा, डिटेल्स वाले आइकन पे यहाँ पे आना होगा और शार्पनिंग वाले में आने के बाद इसकी अमाउंट को प्लस साइड में 28% कर दीजिएगा, मास्किंग की वैल्यू 27% प्लस साइड में कर दीजिएगा, देन नॉइज वाले में आके इसकी नॉइज रिडक्शन की वैल्यू प्लस साइड में 26% कर दीजिएगा, कलर नॉइज में आइएगा और इसकी कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू प्लस साइड में यहाँ पे 20% कर लीजिएगा, स्मूथनेस को 100% कर लीजिएगा। और ये सारी सेटिंग आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो ऑल टू ऑल आपकी पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। मैंने इस फोटो का जो प्रीसेट होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके जस्ट वन क्लिक में आप फोटो को एडिट कर सकते हैं। और इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।